कढ़ाई ली है और इसको हमने हल्के फ्लेम पे रख दी है और हमने ये पहले कढ़ाई ली। अब हम डालेंगे सरसों का तेल और हमने ये सरसों का तेल ले लिया और अब हम डाल रहे हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में तेल ऑयली मतलब कम ही रखना, क्योंकि जितना आपका मसाला उस हिसाब से आप डालें। हमने ये तेल डाल दिया और इसको गर्म, जैसे ही तेल गर्म होगा पहले हम डालेंगे लहसुन और आज को हल्की फ्लेम पे रखें कढ़ाई को गर्म होने और तेल को भी गर्म। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा और ये मैंने जीरा डाला, तेल गर्म हो गया, थोड़ा सा ही जीरा डालें। फिर हम डालेंगे तेज पत्ता और हमने तेज पत्ता डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन और ये हमने लहसुन भी डाल दिया, जितना हमने बारीक काटा है लहसुन उतना आप डाल दें और ये हमने लहसुन डाल दिया है। बात करछी को लेके हल्का हल्का लहसुन को फ्राई होने दें और जो तेज पत्ता है वो भी हमारा उतर जाएगा। तो हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आप फिर नेक्स्ट आए और अब हम डालेंगे प्याज। कड़ची मार कर खोलें, हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हमने डाल दिया। उसको हम चलाएंगे और इसको भुनने देंगे, हम मंदी फ्लेम पे भूनने देंगे और हमने ये लहसुन अदरक का प्याज पेस्ट और ये हमने मंदी आंच पे छोड़ दिया है ये, और ये हम हल्के फ्लेम पे पकने दे रहे हैं। थोड़ा हमारा थोड़ा तैयार हुआ और अब हम डाल रहे हैं टमाटर और अब हमने टमाटर भी डाल दिए हैं और अब हम इसको हल्के फ्लेम पे चलने देंगे। चला रहा हूँ, हम आ गए हैं मसालों पर और अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और ये हमने हल्की सी डाली है, ज़्यादा चटपटा नहीं करना, जैसा आप खा सकते हो वैसे डालें। फिर अब हम डालेंगे हल्दी जो बहुत फ़ायदेमंद होती है, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हमने ये स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। मसालों को मिक्स करेंगे और ये हमने मसालों को मिक्स कर दिया है और हल्के फ्लेम पर छोड़ दें, हल्का सा पानी भी डालें। डाल रहे हैं हल्का सा पानी, थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाले चिपके ना और आप हल्के हल्के से चलाएं इसको और ये हमने चला दिया है, हमने मसाले डाल दिए हैं। अब इसको मैं मंदी आंच पे पकने दूंगा। हमारा मसाला थोड़ा भुन चुका है, अब जो टमाटर है उसको मतलब वो गल तो गया है पर थोड़ा हमको दबाना पड़ेगा ताकि और सही हो जाए थोड़ा मतलब मसाला हमारा। तो उसको आप थोड़ा हल्का हल्का टमाटर को दबाएं चमचे से तो टेस्ट बढ़ जाता है। गाइस और ये हमारा मसाला थोड़ा और भुनना है हमको ताकि टेस्ट बढ़े। हम डाल रहे हैं पालक, हमारा मसाला पक चुका है, इस मसाले में आप पालक डाल दें। अच्छी तरह से सारा पालक आप कटोरी से पूछ लें और इसमें डाल दें और इसको चलाएं और ये मैं चला रहा हूँ।
इसको सही से हिला लें। गाइस हमने ये पानी डाल लिया, इसमें हल्का सा पानी डाला हमने, और अब इसको मंदे फ्लेम में होने दें। और अब हम काटेंगे पनीर, इसको हल्के फ्लेम पे छोड़ दें। है 250 ग्राम पनीर, और अब हम काटेंगे पनीर। पनीर को बहुत देख कर काटना है, और ये हमने काटा पनीर। पनीर को जितना हो सके उतना बारीक काटें। और ये हमने स्लाइस काट ली। और गाइस ये मैंने पनीर काट लिया है, और अब हम चल रहे हैं सीधा पनीर डालने। देख रहे हैं पालक को, पालक थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया है हमारा, और अभी इसको और हल्के फ्लेम पे पकने दें। जब तक सारा तेल ऊपर ना आ जाए, हल्का हल्का हमको ना लगे कि पक गया हमारा पालक, तब तक आप पनीर ना डालें, और इसको हल्के फ्लेम पे होने दें। हम डाल रहे हैं पनीर, और हमने ये पनीर डाल दिया है। ये हमने बारीक बारीक पनीर काटा है ताकि पालक और अच्छा लगे देखने में। अब हमने पनीर डाल दिया है, और अब हम इसको चलाएंगे। और ये हमने पनीर डाल दिया है, और हम ये चला रहे हैं। अब ये पनीर डाल दिया, और अब हम मंदी आ सकते हैं हल्का सा मैगी मसाला। हमने मैगी मसाला हल्का सा डाला है, और हम ये चला रहे हैं ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। अब हम इसमें लाल मिर्च का तड़का भी लगाएंगे अभी, साबुत लाल मिर्च, और फिर हमारा ये कढ़ाई पालक पनीर बनकर तैयार हो जाएगा, और फिर हम इसका टेस्ट बताएंगे आपको बाद में। पालक पनीर पक रहा है, ये हमारा पालक पनीर है गाइस। ये हमने पनीर डाल दिया है, और ये पक रहा है। हेलो, हमने बना लिया है पालक पनीर। मैंने ये ले लिया लाल मिर्च, और अब इनको मैं छोकूंगा, फिर डालूंगा तड़के में। मिर्च डाल रहे हैं, और हम डालेंगे तड़का। और ये हमने मिर्च डाल दी है हल्के फ्लेम पे। ये हमने तड़का डाला है, और ये हमने तड़का डाल दिया, और ये हमारा पालक पनीर तैयार। पनीर तैयार, और ये बहुत टेस्टी बना है, मैंने टेस्ट किया था। हमने पालक पनीर बना लिया, और हम खा रहे हैं देसी घी की रोटी के साथ।